जयपुर राज्य कैबिनेट के चार निर्णयों का अनुमोदन। छह जिलों में छात्रावासों व स्कूल नामांकन को मंजूरी मिली है। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली और चित्तौड़गढ़ छात्रावासों व स्कूलों का यहां पर नामकरण होगा। छह जिलों में छात्रावासों और स्कूल नामकरण को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़ जिले शामिल हैं। यहां छात्रावासों और स्कूलों का नामकरण किया जाएगा। और संवाददाता ऋतुराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज, ये अहम फैसला लिया गया है, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अब चार नहीं, अब छह निर्णयों का अनुमोदन हो चुका है सर्कुलेशन के जरिए। एक महत्वपूर्ण संशोधन जो किया गया है वो यह किया गया है कि चित्तौड़गढ़ में पहले छह सामाजिक संस्थाओं को उस समय की आरक्षित दर की 50% राशि जमा कराने पर भूमि मिल सकती थी। अब इसमें संशोधन करते हुए आज की मौजूदा दर की आरक्षित दर की 50% की राशि यदि जमा कराएं तब वो भूमि मिल सकेगी। इसके साथ ही जो आयुर्वेद के जो संविदा भर्ती में एक बड़ा फैसला करते हुए ये किया गया है अब कि पहले जो बोनस अंक थे वो एक साल के अनुभव पर 10 अंक, 2 साल के अनुभव पर 20 और 3 साल के अनुभव पर 30 मिलते थे, अब इसे 5, 10, 15 कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा, इसके साथ ही लक्ष्मणगढ़ आईटीआई की नाम है वो कर्माबाई के नाम पर अब रखा जाएगा, यह अनुमोदन किया गया है। वहीं एमआरईसी में जो ओल्ड एमआरईसी है वहाँ फ्लैट बनेंगे सरकारी अफसरों के लिए। तो इसको ऋतुराज, बिल्कुल ऋतुराज, चार की जगह 6 निर्णयों का अनुमोदन हुआ है जी। 6 निर्णयों का अब अनुमोदन हो चुका है। चलिए, और ठीक है, ठीक है ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो 6 निर्णयों का अनुमोदन हुआ है और जिस तरह से 15% की छूट का कैबिनेट ने भी इसे लेकर अनुमोदन दिया है, सर्कुलेशन के जरिए यह अनुमोदन किया गया है। तो राज्य कैबिनेट के 6 निर्णयों का अनुमोदन यहां पर किया गया है, बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। 6 जिलों में छात्रावासों और स्कूल नामांकन को भी यहां पर मंजूरी मिली है।